अस्सलाम वालेकुम। आज हम गाजर का हलवा बनाने वाले हैं। ये मेरे पास चार बड़े बड़े गाजर हैं। मेरे पास कम बना रही हूँ तो कम गाजर है। अगर आप लोग ज़्यादा बनाते तो सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और ये एक कप शक्कर है, इसमें चार इलायची है। अगर शक्कर और ज़्यादा लगी तो फिर टेस्ट करके हम ऐड करेंगे। और थोड़े से काजू बादाम और ये दो से तीन चम्मच घी है, ये ओरिजिनल घी है। और ये फूड कलर है, ये हम लास्ट में थोड़ा सा यूज़ करेंगे। और ये दूध है अलसाफी का, इसे हम इस कप के ज़रिए से हाफ कप या कितना भी हो इससे यूज़ करेंगे। और ये मिल्क मेड है मेरे पास, मिल्क मेड दो से तीन चम्मच बहुत हो गया। चलिए हम इसको, हम गाजर को इस मैंने वॉश कर लिया है इसको, अब हम इसकी मदद से इसको ऐसा इसके ऊपर का छिलका निकाल लेंगे। फिर इसको हम ब्रोकश से घस लेंगे, ठीक है। मैं घसने के बाद बताती हूँ। ये सारों का निकालना है आपको, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे होते हैं तो इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। हम इसको घसने के बाद बताऊँगी। ये देखिए, इसको इस तरह से घस लेना है, बिल्कुल ऐसा बारीक बारीक होना चाहिए, ठीक है। तो हम सारे घस लेंगे। ये देखिए, ये हमारे चार गाजर इस इतने हुए हैं। पकने के बाद थोड़े से ये कम हो जाते हैं। और मैंने ये गर्म हो चुका है भगोना, इसमें घी डाल देते हैं। ये हमारा घी बन हो रहा है। अब हम इस टाइम पे ये सारे गाजर डाल देंगे। इसको डाल के इसका पानी सूखने तक इसको अच्छे से पकाना नहीं है, जब तक ये गाजर का सारा पानी सूख नहीं हो जाता, जब तक हमें अच्छे से भूनना है इसको, ठीक है। अच्छे से मिला ले, उसका पूरा पानी सूख गया ना, सूख हो गया, तो फिर हम एक एक से सारी चीज़ें इसमें ऐड करते जाएंगे। इस टाइम पे ही ये इलायची भी डाल दें इसमें, शक्कर और इससे थोड़ी ज़्यादा लगेगी इतनी डालने के बाद। फिर से थोड़ी बताऊंगी मैं, जितनी इसमें ऐड करूंगी उतना बताऊंगी। अब देखिए, इसका पानी अच्छे से सूख गया। अब हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। ये एक कप डाल के और इतनी डाल रही हूँ, मिक्स कर लेंगे। ये इसका पानी सूखने के बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। ये देखिए, अभी इसमें शक्कर भी अच्छे से सूख गई है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। इस कप से मैं आधा कप दूध लिया है। अगर आप लोग ज़्यादा बना रहे हैं तो फुल कप भी डाल सकते हैं। ये दूध अच्छे से सूखने के बाद हम दूसरी चीज़ इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, ये दूध भी अब सूख रहा है। इस टाइम पे आप चाहे तो कलर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तो फिर भी डार्क है, अगर आप लोगों के पास बहुत कम है, फीके रहते हैं ना गाजर वहाँ के, तो यूज़ कर सकते हैं। मैं बस इतना ही यूज़ करूँगी। ये दूध सूख रहा है, अब हम इसमें मिल्क में ऐड कर देंगे। ये मेरे ख्याल से दो चम्मच होगा। आप अगर मीठा ज़्यादा खाते हैं तो और भी यूज़ कर सकते हैं। ये दूध और मिल्क में जो भी डालते हैं ना हम, दूध डालने के बाद थोड़ा कलर इसका कम हो जाता है। पहले कैसा डार्क दिख रहा था, अब कैसा फीका दिख रहा, तो आप कलर अपने हिसाब से डालिए।
अब इसको हम सूखने देते हैं, सूखने के बाद बताते हैं। अगर किसी के पास खोया मिलता है तो खोया खवा भी बोलते हैं हम लोग, खवा भी डाल सकते हैं इसमें। यहाँ पर नहीं मिलता तो इसके लिए मिल्क मेड ये सब डालती हूँ मैं। अब इसमें तकरीबन दूध सूख गया है, अभी थोड़ा बाकी है। इस टाइम पे हम जो हमने काजू मैंने इस तरह से क्रश कर लिए हैं, थोड़े से काजू और बादाम को भी मैंने इसी तरह कर लिया है। मैं बादाम थोड़े थोड़े रख देंगे हम गार्निशिंग के लिए। और आप लोग चाहे तो थोड़े से इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, थोड़े से है थोड़े से डालिए लाइट, क्योंकि किशमिश भी मीठे होते हैं। इसको और अच्छे से घी ऊपर आने तक हम पकाएंगे। जब साइडों से जब घी दिखेगा ना हमको तब हम इसे बंद करते हैं। इस टाइम पे आप टेस्ट भी कर लीजिए, शक्कर अगर कम ज़्यादा जो भी हो, अगर कम हुई तो इस टाइम पे ऐड भी कर सकते हैं। मैं टेस्ट कर ली, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, टेस्ट इसका बराबर है सब। ये देखिए ये हमारा गाजर का हलवा रेडी है। इसको टर्न करने पे ये पूरा ऐसा लपट के जो चम्मच में आ रहा है ना, समझ लीजिए कि ये हमारा रेडी है। इसमें और पानी भी सूख गया है तो बीच में हटा के देखना, जब पानी नहीं रहेगा तो समझ लीजिए कि ये रेडी है। चलिए अब मैं इसको रिशॉर्ट करके बताती हूँ। ये हमारा गाजर का हलवा रेडी है, आप लोग भी बनाइए, टेस्ट करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।